मांडल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रद्युमन सिंह ने भरा पर्चा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे साथ। मांडल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रद्युमन सिंह राणावत ने कल मांडल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मांडल तेजाजी चौक से सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी रैली दशहरा चौक से बस स्टैंड से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र मीणा को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन से पहले दशहरा चौक में जनसभा भी आयोजित की गई। फॉर्म भरा है, बेसिकली ये फॉर्म मैंने नहीं, हमारी पूरी युवा साथी मांडल की समस्त जनता के आदेश से भरा गया है। मैं आप विश्वास रखता हूँ कि 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो एक नए मांडल के निर्माण के मुद्दे होंगे। चुनावी मुद्दे, चुनावी का मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी, जो कि युवा साथियों की बेरोजगारी को दोनों पार्टियों ने अनदेखी करी है। उसके ऊपर मैं 3 साल से इस इलाके में हूँ और जितने भी यहाँ इंडस्ट्रीज होने लगी हैं इनमें भी बाहरी लोगों को मौका दिया गया है। यहाँ के जो लोकल युवा साथी हैं उनको वहाँ तवज्जो नहीं दी। पहली बार चुनाव में उतरे और वो भी बगावत के तौर पर, चला पहले नहीं, जिला परिषद लड़ चुका हूँ उसमें।